वो किसी ठग से भी बड़ा महाठग है, वो किसी भी ब्यूरोक्रेट से ज्यादा सातिर है। गुरुओं का गुरु वो गुरु घंटाल है, वो घोटालों का मायाजाल है, जिसके सामने सरकारें भी सजदा करती हैं, जिसके सामने बड़े बड़े माफिया भी सर झुकाते हों, वो सबसे बड़ा शिक्षा माफिया है। आपने डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और पॉलिटिशियन के भ्रष्टाचारों के तो ना जाने कितने किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको शिक्षा जगत के एक ऐसे महाभ्रष्टाचारी से मिलाने जा रहे हैं, उसके कारनामे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, आपके होश फाकता हो जाएंगे। शिक्षा जगत के इस महागुरु घंटाल का नाम है विनय पाठक। कानपुर के छत्रपति साहूजी विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक के ऊपर इन दिनों गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। उन पर आरोप है 1,41,00,000 की रिश्वत खाने का। उन पर आरोप है रिश्वत की रकम न देने के कारण बंधक बनाने का, कॉन्ट्रैक्टर डेविड मॉरियो डेनिस के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में डेनिस, कुलपति विनय पाठक और उनके एक सहयोगी अजय मिश्रा के ऊपर 1,41,00,000 के रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके बाद इस पूरे मामले को एसटीएफ को हैंडओवर कर दिया गया है। अब एसटीएफ विनय पाठक के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रही है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है विनय पाठक और कैसे उसने भ्रष्टाचार का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। लोग कहते हैं कि प्रोफेसर विनय पाठक के पास पारस पथरी है, जो भी उनके संपर्क में आता है वो सोना बन जाता है। उनका सबसे अभिन्न सहयोगी और हर खेल में उनका भागीदार अजय मिश्रा कभी एक कंप्यूटर की दुकान चलाया करता था, लेकिन विनय पाठक के पारस के संपर्क में आकर बीएमडब्ल्यू से चलने लगा और एक्सेल आईसीटी कंपनी का मालिक बन गया। डॉक्टर विनय पाठक की सफलता में सत्ता नसीन दलों का बड़ा योगदान रहा। कहते हैं पार्टी कोई भी रही हो, सरकार किसी की भी रही हो, हर सरकार में विनय पाठक चहेता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की सरकार में सबसे पहले विनय पाठक को 2009 में उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुक्त विश्वविद्यालय में कुलपति बनाया गया था। उसके बाद तो तमाम सरकारें आई गई, लेकिन डॉक्टर विनय पाठक का सिक्का चलता रहा। यहां तक कि विनय पाठक को कुलपति बनाने को लेकर भी विवाद रहा। दरअसल कुलपति बनने के लिए कम से कम 10 साल बतौर प्रोफेसर पद पर कार्यरत रहने की अर्हता जरूरी है, लेकिन विनय पाठक को महज 6 महीने प्रोफेसर रहने के बाद ही उत्तराखंड का कुलपति बना दिया गया। उसके बाद विनय पाठक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उत्तराखंड के बीजेपी के नेताओं से नजदीकी गांठ कर विनय पाठक ने राजस्थान बीजेपी में अपना जुगाड़ लगा लिया और 2013 से 2015 तक वो राजस्थान के कोटा की वर्धमान मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। उस समय भी राजस्थान में भाजपा की सरकार थी। विनय पाठक के भ्रष्टाचार की शुरुआत तो उत्तराखंड में ही हो चुकी थी, लेकिन कोटा में कुलपति रहने के दौरान उन पर यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसकी जांच एसीबी द्वारा की गई, लेकिन बेहद सातिर दिमाग और ऊंची पकड़ वाले विनय पाठक तब भी शिकंजे में आने से बच गए। और 2015 से 2018 और 2018 से 2021 तक वो दो टर्म में लखनऊ की अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे। एकेटीयू में तैनाती के दौरान भी उन पर भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप लगे, जिसमें सबसे बड़ा आरोप था 2500 करोड़ की विश्वविद्यालय की एफडी तुड़वाकर उसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का। शेयर बाजार में घाटा लगने के बाद जब विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ, तब विनय पाठक ने उस पैसे को शेयर बाजार से निकालकर दोबारा एफडी करवाई, जिसमें संस्थान को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, विनय पाठक पर एक और बड़ा इल्जाम लगा, एकेटीयू की 25,000 कॉपियां गायब करवाने का। विनय पाठक के कार्यकाल में ही 25,000 कॉपियां रास्ते में ही गायब हो गई, जिसका आज तक कोई पता नहीं चल सका। इसकी जानकारी एकेडमिक काउंसिल को भी दी गई, लेकिन तमाम वित्तीय अनियमितताओं को सरकारों ने नजरअंदाज कर दिया। सरकार चाहे बीजेपी की रही हो, सपा की हो या फिर बीएसपी की, हर सरकार में विनय पाठक सरकारों का चहेता बना रहा। और तो और राज्यपाल कोई भी रहा हो, विनय पाठक को नजरअंदाज करने की हिमाकत नहीं कर पाए।
यही वजह रही कि सरकार बदली, लेकिन डॉक्टर विनय पाठक का रसूख नहीं बदला। एकेटीयू से 2020 में भाजपा की सरकार में पैठ बनाकर विनय पाठक छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के पूर्णकालिक कुलपति बना दिए गए। इतना ही नहीं, जनवरी 2022 से सितंबर तक उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया। आगरा के कुलपति रहते हुए उन पर एक कंपनी से 1,41,00,000 बतौर रिश्वत लेने का आरोप लगा। ये पैसा विनय पाठक और उसके सहयोगी अजय शुक्ला ने करोड़ों रुपए के भुगतान के एवज में मिलने वाले कमीशन के रूप में लिया। लखनऊ के जानकीपुरम निवासी डिजिटेक्स टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक डेविड मोरियो डेनिस ने कुलपति विनय पाठक के अलावा XLICT कंपनी के मालिक अजय मिश्रा को भी नामजद किया है। उनके मुताबिक अजय शुक्ला के माध्यम से विनय पाठक ने 1,41,00,000 रुपए की रकम बतौर रिश्वत। STF ने अजय शुक्ला को तो गिरफ्तार कर लिया, वहीं अब कुलपति विनय पाठक पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हाईकोर्ट में अरेस्ट स्टे की फिराक में घूम रहे विनय पाठक को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में किसी भी वक्त STF विनय पाठक को गिरफ्तार कर सकती है। विनय पाठक के खेल की तो महज ये एक छोटी सी वानगी है। हम अपने आगे के अंक में विनय पाठक के घोटालों को लेकर कई और बड़े खुलासे करेंगे, इसलिए कहीं मत जाइएगा। बने रहिए हमारे साथ। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।